देश की एक एक संस्थाओं पर प्रश्न लग रहा है, कौन किसको बचा रहा है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है और माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि क्या आगे की दिशा होगी। लेकिन सरकारों ने सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया है, सरकारों ने सीबीआई से बहुत सारे लोगों को डराने का काम किया है। सर तोते उड़ के गए कहाँ है, 10 जनपद की तरफ गए क्या? देखिए रफेल डील जो है ये तो दिल्ली वाले ज्यादा समझते होंगे, हम उत्तर प्रदेश में लखनऊ में रहते हैं कम समझते हैं। लेकिन अगर सवाल खड़े हुए हैं इतनी बड़ी डील पर, तो भारतीय जनता पार्टी को जरूर सच्चाई के साथ सामने आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी अपने आप को यह कहती है कि उनसे साफ सुथरा दामन किसी पार्टी का नहीं है। और मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूं कि जिसका दामन साफ ज्यादा होता है उस पर छींटे ज्यादा दिखाई देते हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनती है कि रफेल डील में क्या हुआ है उस सच्चाई के लिए समाजवादी पार्टी ने जेपीसी की हमेशा मांग की है। सत्र तो अब बहुत कम आएगा, लेकिन जेपीसी बन जाएगी तो शायद बहुत सारे सवालों का जनता को जवाब मिल जाएगा। सुना है कि चाइनीज लाइट जो लगी थी उसमें भी घोटाला कर दिया है, अब हम ये भी मांग नहीं कर सकते कि उसकी सीबीआई जांच हो, अब तो कोई और जांच हो तो ज्यादा अच्छा है, वो समाजवादी जांच ही उसको ठीक कर सकती है। एक एक करके पूछो, मैं सब जवाब दूंगा, जब तक आप थकेंगे नहीं जाऊंगा नहीं। समाजवादी पार्टी का जहां संगठन है वहां पार्टी लड़ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी के गठबंधन गौरवाना गणतंत्र पार्टी से है और बहुजन समाज पार्टी से बातचीत है। ये बात किसने की है या वो डील में क्या था, पहले डील में क्या था, बाद की डील में क्या था? सुना ये जा रहा है कि रफेल जो एयरक्राफ्ट है वो 2 पायलट से चलने वाला था, अब वो 1 पायलट वाला बना दिया गया है। जो हवाई जहाज 2 पायलट उड़ाते हैं उसको 1 उड़ाएगा। इन सवालों का जवाब कौन देगा? हम तो नहीं है उसमें एक्सपर्ट, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो सच्चाई तो सामने आई। पिछले 5 वर्षों में आपके मुख्यमंत्री काल में जो योजनाएं आपने बहुत सारी चलाई थी, हम लोगों ने बहुत योजनाएं, सरकार ने कई नई योजनाएं नहीं चलाई, उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ा रही है या उन्हीं योजनाओं को जो उसके मुखिम कर रही है उसको चला रही है और बाकी बढ़ा रही है। बीजेपी शिलान्यास का शिलान्यास, उद्घाटन का उद्घाटन, और आय दोगुनी किसान की कैसे होगी? आज कहा जा रहा है कि इसराइल से हम संबंध अच्छे करेंगे और किसानों के लिए कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे, विज्ञान के साथ किसान आगे बढ़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना था कन्नौज में, इसराइल की गवर्नमेंट और इसराइल की टेक्नोलॉजी के साथ उसको क्यों बंद कर दिया? एक परफ्यूमरी पार्क बना था उसका नाम कर दिया इत्र पार्क। हम तो ये जानना चाहते हैं परफ्यूम क्या चीज है, इत्र क्या है। और फिर ये एक्सप्रेसवे केवल गाड़ी से चलने के लिए नहीं था, इस एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बननी थी और यही एक्सप्रेसवे आपका बलिया गाजीपुर सुल्तानपुर आजमगढ़ को जोड़ने वाला बनता, उसके किनारे भी मंडी बनती, वो सब काम रोक दिया। यूनिवर्सिटियां बन रही थी, माता प्रसाद पांडे जी बगल में बैठे हैं, एक दूर किनारे जहां पर उत्तर प्रदेश खत्म हो जाता है वहां एक उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, काम चल रहा था। इस सरकार ने 2 साल में क्या बजट दिया है? इलाहाबाद में स्टेट यूनिवर्सिटी बन जाती उसका भी काम रोक दिया। जो सरकार यूनिवर्सिटीज नहीं बना रही है, मेडिकल कॉलेज नहीं बना रही है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बड़ा करा रही, मेडिकल कॉलेज जो बनने थे उनका सब काम रोक दिया। क्या योगदान है जौनपुर मेडिकल कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी का? गए और नाम बदल दिया। चंदौली में मेडिकल कॉलेज बनना था, अगर आप मिर्जापुर में देना चाहते थे
तो चंदौली का मेडिकल कॉलेज बना रहता है, आपकी दिल्ली सरकार है, आप एक मेडिकल कॉलेज और मिर्जापुर में